भाई साहब ये कल का मैच मैच नहीं था, मुन्ना भाई MBBS के हॉस्टल का कमरा था। मतलब भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गया। बिल्कुल शुरू होते ही खत्म हो गया। नमस्कार जैन, मैं रौनक, देखना शुरू कर चुके हैं आप इंडिया न्यूजीलैंड स्पेशल रणतंत्र। वैसे तो न्यूजीलैंड वाले काफी इंटेलिजेंट और बढ़िया लोग होते हैं, लेकिन उनके 4-5 फैंस जिनको ये लग रहा था कि उनकी टीम ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराकर कोई कद्दू में तीर मार दिया है, तो उनके सामने अब बिल्कुल मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो गया होगा। अरे भैया, पाकिस्तान और इंडिया को हराने में इतना ही फर्क है जितना पाकिस्तान और इंडिया में। हमारे यहाँ प्लास्टिक के किंग नहीं, असली वाले किंग हैं। हमारे सारे गेंदबाज भले ही 140 प्लस की गेंद न डालते हो, लेकिन सबके सब विकेट लेना जानते हैं। इसलिए अगर कोई इंडिया और पाकिस्तान की टीम को कंपेयर कर रहा है तो वो जान ले कि वो च से भूतिया है। खैर, न्यूजीलैंड वालों एक बात बताओ, ICC टूर्नामेंट में तो तुम लोग हमसे एकदम ऐसे खेलते हो जैसे हम लोगों ने तुमसे उधार लिया था और वापस नहीं किया, और बायलैटरल सीरीज में ये तुम लोगों को क्या हो जाता है बे? मतलब तुम लोग कल जितना देर खेले हो उससे ज्यादा लंबी तो आजकल निब्बा निब्बी की रिलेशनशिप चल जाती है, समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। तुमसे ज्यादा मेहनत तो दिल्ली के कनॉट प्लेस पर इंस्टाग्राम रील बनाने वाले कर लेते हैं। मुझे कल शाम को शादी में जाना था, मेरे दोस्तों ने पूछा तो मैंने मना कर दिया, लेकिन शाम को 7 बजे से पहले पहले ही मैच निपट गया। फिर किस मुंह से अपने दोस्तों को बोलता कि नहीं यार अब चल लेता हूं, फालतू में तुम लोगों की वजह से दाल मखनी और मटर पनीर रह गई मेरी। पहले मैच की पहली पारी में खेलते हुए हमारे लड़के गिल ने डबल सेंचुरी लगा दी थी और तुम्हारी पूरी टीम मिलाकर 100 बना पाई। गजब बेइज्जती है। वैसे ये बेइज्जती होने से बच सकती थी क्योंकि जब मैच शुरू हुआ और रोहित शर्मा ने टॉस जीता तो उनके साथ वही हुआ जो अक्सर मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में होता था, यानी मैं जवाब भूल जाता था। रोहित शर्मा भी टॉस जीतने के बाद बिल्कुल भूल ही गए कि उनको लेना क्या था। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर उनके मुंह में जो आया उन्होंने बोल दिया। मतलब वो पहले बल्लेबाजी भी बोल सकते थे लेकिन उनके मुंह से निकल गया बॉल फर्स्ट, और इस तरह से न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने के लिए उतारा गया। बहुत दिनों से मोहम्मद शमी की कोई बात नहीं हो रही थी। आखिरी बार जब हमने वीडियो में उनके बारे में बात करी थी तो वो था T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में या तो ये हल्ला रहा कि बुमराह नहीं आ पाए या फिर इस बात की डिस्कशन होती रही कि मोहम्मद सिराज कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भूलना नहीं चाहिए कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में हमारे लिए बहुत अहम खिलाड़ी होने वाले हैं। कल अपने पहले ही ओवर में उन्होंने दिखा दिया कि क्यों अहम खिलाड़ी होने वाले हैं। पहले 4 गेंदों पर फिन एलन को अच्छे से सेटअप किया, 5वीं पर उनके डिफेंस के पार निकालकर बोल्ड मार दिया। शमी ने सिर्फ एलन को सेट नहीं किया था, पूरे मैच को सेट कर दिया था। उसके बाद अगले 10 ओवर के अंदर अंदर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन में बैठकर रायपुर का फेमस चीला खा रही थी। रन बने थे मात्र 15। ये देखकर लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में न्यूजीलैंड की टीम 36 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन फिलिप्स के साथ पिछले मैच के हीरो ब्रेसवेल ने एक ठीक ठाक साझेदारी कर ली। न्यूजीलैंड वाले 50 पार कर गए, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि ब्रेसवेल एक बार फिर टीम इंडिया की नाक के नीचे से न्यूजीलैंड की डूबती नैया बचा ले जाएंगे, शमी ने उनको 2 गेंदे राउंड द विकेट डालकर फिर एक ओवर द विकेट बाउंसर पर विकेट के पीछे ईशान किशन के हाथों कैच करवा दिया। बस ब्रेसवेल के गिरने के बाद तो न्यूजीलैंड के पास कुछ बचा ही नहीं। इंडिया का जो जो गेंदबाज गेंदबाजी करने आया न्यूजीलैंड ने उसको विकेट दिलाया। शमी को 3, पांड्या और सुंदर को 2-2 विकेट मिले और न्यूजीलैंड वाले 35वें ओवर में 108 बनाकर ऑल आउट हो गए। 109 का टारगेट बनाना टीम इंडिया के लिए बहुत सिंपल था, बिल्कुल इतना ही आसान जितना आपके लिए प्रोबो ऐप पर पैसे जीतना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ आपको यस या नो में जवाब देना है ब्रो, और आप जीत सकते हो ढेर सारा प्रॉफिट। इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, क्रिकेट, क्रिप्टो, फुटबॉल, वेदर तक, जिसमें आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। अब देखो, इंडिया न्यूजीलैंड का फर्स्ट ODI हुआ तो उसमें सवाल पूछा गया था कि क्या गिल 50 या उससे ज्यादा रन स्कोर करेंगे। हमने यस पे सेलेक्ट करके आंसर दिया और हमको बड़ा प्रॉफिट मिला। वैसे ही क्या इंडिया 3rd ODI में न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, ये एक सवाल है। अब इस पे मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया है और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट भी कर दिया है, आपका क्या ओपिनियन? ऐसे कई सारे आसान सवाल वहां पर पड़े हुए, जाइए यस या नो में ओपिनियन दीजिए और खूब सारा पैसा जीतिए, और जीतने के बाद पेटीएम, गूगल पे के जरिए आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस ऐप को यूज करके रोज रिवॉर्ड्स जीत रहे हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जल्दी से उस पर क्लिक करके प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, और हमारा जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो आपको वेलकम बोनस भी मिल सकता है, क्या समझे? वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं इंडियन चेज की। 108 का टारगेट तो आजकल 10 ओवर के क्रिकेट में सेफ नहीं रहता यार, 50 ओवर में क्या ही सेफ रहेगा, वो भी तब जब आपके टॉप के 4 बल्लेबाज में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मार रखी है, और एक ऐसा है जिसके नाम टारगेट चेज करते हुए सबसे ज्यादा सेंचुरी है। न्यूजीलैंड वाले बेचारे इस मैच में बकरे की अम्मा थे। ज्यादा देर तक अनुपम खेर नहीं, सॉरी ओनली खेर, हाँ
ज्यादा देर तक खैर नहीं मना सकते थे और हमारे ओपनर्स ने उनको सबसे ज्यादा तड़पाया भी नहीं। शुरू से ही हावी होकर खेले, खासकर रोहित भैया रायपुर में एकदम ही रंग में दिखे। यहाँ भी उन्होंने दर्शकों को अपने पुल शॉट से एंटरटेन किया। पिछले मैच में डबल सेंचुरी वाले शुभमन गिल भी बढ़िया फॉर्म में नजर आए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 72 जोड़े। इस तरह से मैच इंडिया के खाते में उन्होंने डाल दिया। हालांकि रोहित शर्मा अपनी हाफ सेंचुरी करने के बाद आउट हो गए और फिर इस सीरीज में लगातार दूसरी बार सैंटनर ने विराट कोहली का विकेट लिया। लेकिन वनडे फॉर्मेट के लेटेस्ट डबल सेंचुरियन ईशान किशन और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड वालों को और ढील नहीं दी और इंडिया को 8 विकेट और 179 गेंदे रहते एक और सीरीज अपने नाम इंडिया ने कर ली। मोहम्मद शमी को उनके 3 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया और अब टीम इंडिया सीरीज में न्यूजीलैंड का सफाया करने के लिए इंडिया के सबसे साफ शहर इंदौर में तीसरा वनडे खेलेगी जो कि मंगलवार को होगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर हम आपके लिए और भी ढांसू वीडियोस लाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें भी बताएंगे। जैसे आप अपनी ओपिनियन प्रोबो ऐप पर शेयर करके ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। इसके लिए जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लिक करके प्रोबो को डाउनलोड करो और वेलकम बोनस आपका इंतजार कर रहे हैं। खूब सारा प्रॉफिट कमाओ और जीतो तो हमको पार्टी कराओ, क्या समझे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक भी देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम और ये रहा हमारा टेलीग्राम, राम राम जरूर बोलना यहाँ पर भी। सी यू टुमारो, जय हिंद।